सर पहले गाजियाबाद में आपका स्वागत है। होली के दिन आपने चार्ज लिया है और यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो चल रही है साइबर क्राइम पे ही चल रही है। अभी हम उसी की बात कर रहे थे, किस तरीके से साइबर क्राइम को तोड़ा जाएगा और लोगों को कैसे अवेयर किया जाए। साइबर क्राइम में सबसे महत्वपूर्ण बात है अवेयरनेस, क्योंकि कहीं ना कहीं जब साइबर क्रिमिनल अटैक करता है, अपने पैसे के लिए मांग करता है, तो उसमें हमारी कोई ना कोई गलती जरूर इन्वॉल्व होती है। या तो वो हमसे OTP लेता है, या हमारी कोई बैंक डिटेल लेता है, या किसी प्रकार का लिंक पे हम ही से क्लिक करवाता है। तो किसी प्रकार के प्रलोभन मिले, लालच मिले कि आपके पैसे मिले हैं, ये मिले, नौकरी मिली है, टावर लगवा लीजिए, इंश्योरेंस करा लीजिए, या इंश्योरेंस में बोनस मिला है, तो उस पर लालच में नहीं आना है, बहुत सावधान रहना है। कोई आदमी हमसे किसी भी लिंक पर क्लिक कराना चाहे, हमसे OTP की मांग करें, पहला तो ये नहीं देना। दूसरा, कोई हमसे किसी भी कारण से, चाहे वो कोई स्कीम बताए या कोई समस्या बताए या कोई बताए आपका ATM ब्लॉक हो गया है उसके लिए, या आपको नौकरी मिल गई उसके मात्र रजिस्ट्रेशन शुल्क के लिए 500 रुपये भी दे दीजिए तो भी आपको नहीं देने हैं। मतलब रुपए आपसे मोबाइल कॉल के बाद अंत में कितना भी बड़ा लालच दिखाते हुए अगर 1 रुपए की भी मांग करें तो आप समझ जाइए कि 100% आपके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है। ये दो टेस्ट अगर हम अपने दिमाग में रख लेंगे, एक की कोई डिटेल नहीं देनी है और दूसरा 1 रुपया भी किसी के अकाउंट में जमा नहीं कराना है, तो हम साइबर क्राइम से बच जाएंगे। सर दूसरा सवाल यह है कि गाजियाबाद में अपराध, कितनी ही पुलिस अपनी जीतोड़ कोशिश कर रही है लेकिन अपराध बढ़ रहा है, उसके लिए क्या योजना है आप? ये अच्छी बात है कि कुल कोशिश चल रही है, तो कोशिश में और जोर लगाया जाएगा और अच्छे से टीमें बनाई जाएंगी और अपराध पर नियंत्रण तो 100% हम लोगों को पाना ही है। सर जैसे आज होली है, होली पर क्या एहतियात बरतना है, कोविड का समय चल रहा है, कोविड की गाइडलाइंस आई है होली पर इस समय, क्योंकि कोरोना में केसेस में फिर से एक वृद्धि परिलक्षित हो रही है, इसलिए जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसका पालन करते हुए, कोरोना की सावधानी बरतते हुए ही होली में वो करें। इस समय कोई सार्वजनिक उसमें ज़्यादा वो ना करें, भीड़ भाड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो अभी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। सर दिल्ली से बहुत बड़ा हिस्सा गाजियाबाद का टच होता है और दिल्ली जो डेली आने जाने वाले रहते हैं और दिल्ली में जिस तरीके से कोविड फैल रहा है उसके लिए क्या कुछ नई योजनाएं बनाई? चिंताजनक बात है, इसका एक ही अच्छा तरीका है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस कैंपेन हम लोग चलाएं, जो चला भी रहे उसको हम लोग और गति से चलाएंगे, और दूसरा यदि कोई पॉजिटिव हो गया तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उसके साथ के लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको आइसोलेट किया जाए। यही एक अच्छा स्ट्रेटेजी साबित हुई है, पूर्व में भी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा कोविड नियंत्रण रहा है, तो हम लोग फिर से वही प्रयास करें। सर मोटर व्हीकल पे कोई नई गाइडलाइन जारी होगी क्या, जिस तरीके से नॉइस होती है और ट्रैफिक जाम होता है और ये ऑटो वाले भी ज़्यादातर शोर शराबा करते हैं? देखिए ट्रैफिक के नियम बड़े साफ सुथरे हैं सबकी जानकारी में, इधर बीच ट्रैफिक कि जो पेनाल्टीज हैं उनके शुल्क में भी बहुत वृद्धि की गई है, इस सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रैफिक के जो वायलेशंस होते हैं वो बहुत बड़े सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं, इसलिए किसी एक व्यक्ति के कारण शेष व्यक्तियों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। दूसरा, ये ट्रैफिक के जितने भी नियम हैं हमारे जीवन की सुरक्षा से, जान से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका पालन करना बहुत ज़रूरी, चाहे वो हेलमेट हो, हेलमेट इंडिविजुअल की जान से जुड़ा हुआ है। हमने देखा है कि जितनी भी मृत्यु होती है वो सर की चोट की वजह से होती है, पैर की चोट की वजह से कभी भी मृत्यु होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो ऐसे में चाहे इंडिविजुअल हेलमेट का हो या शोर मचाती हुई गाड़ियों का मामला हो, किसी भी दशा में ना किसी की जान के साथ कोई खिलवाड़ करने दिया जाएगा ना दूसरे लोगों के लिए समस्या पैदा कर दी जाएगी। सर आपके प्रायः ऐसा भी देखा गया है कि आप लोग यहाँ से ऑर्डर कर देते हैं, बारिश कर देते हैं और थाने और दूसरे ऑफिसर जन शिकायतों की सुनवाई थाना लेवल पर हो और लोगों को भटकना ना पड़े, इसके लिए थाने लेवल को हमको उस स्तर तक क्रियाशील करना, अगर वो किसी कारणों से वहाँ कोई ऐसा कर्मचारी है जो नहीं ध्यान दे रहा है तो पहले तो उसको समझा बुझा के ट्रेन करना कि भाई कैसे जन शिकायतों को हैंडल करने में आपको किस प्रकार की संवेदनशीलता की ज़रूरत है, लेकिन हर हालत में सुनवाई थाने पर होनी चाहिए, चौकी पर होनी चाहिए। हमारे पास जो आ रहा है उसका स्वागत है, लेकिन हमें खुशी तब होगी जब किसी को हमारे पास भी आने की ज़रूरत ना पड़े और थाने लेवल पर उसको सबसे अच्छा रिस्पॉन्स, सबसे अच्छा वो सहयोग मिल जाए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंफोसिस रहेगा। थाने पर जो शिकायती प्रार्थना पत्र आते हैं, जो थाना तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र आते हैं, जो महिला हेल्प डेस्क में जो प्रार्थना पत्र आ रहे हैं,
और जो वरिष्ठ अधिकारियों के संदर्भ है, मान लीजिए कोई मेरे पास आ गया और मैंने उसको थाने को माफ किया तो थाने को इन शिकायती प्रार्थना पत्रों को डिस्पोजल करना होगा। इसके लिए दो जगहों पर, दो स्तर पर फीडबैक सेल बनाए जाएंगे। एक SSP कार्यालय पर, जहां पर जो भी SSP कार्यालय में कंप्लेंट लेकर आ रहा हो उससे एक निश्चित अवधि के बाद पूछा जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। अगर सॉल्व हुई है तो आपके लेवल के संतुष्टि के हिसाब से हुई है कि नहीं, या आप अभी असंतुष्ट है कार्रवाई। बिल्कुल सेम सिस्टम थाना लेवल पर भी किया जाए, थाने पर जो भी कंप्लेंट आएगी उससे पलट करके फोन करके पूछा जाए। तो इसमें आने वाले दिनों की जो भी चुनौतियाँ हैं, हमारे अपराध नियंत्रण खासतौर पर महिला संबंधित अपराध जो भी हैं, और वर्तमान में जो कोविड को लेकर के जो सतर्कता चल रही है, यहाँ पर कुछ ट्रैफिक की इश्यूज हैं, तो उन सभी के बारे में मैं जानकारी कर रहा हूँ और यही प्राथमिकता में रहेंगे। जो मीडिया के सहयोगियों से जानकारी मिल जाया करेगी, क्योंकि आपको जनपद की बहुत अच्छी जानकारी रहती है, जनपद की एक एक चीज़ को आप समझते हैं, लोकल हैं आप, और उसका समाधान भी समझते हैं। इसलिए न सिर्फ समस्या आपसे समझी जाएगी, समाधान भी समझा जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मैं 2007 बैच का UP कैडर का ऑफिसर हूँ, और इससे पहले मैं अभी वाराणसी में नियुक्त था, वहाँ से गाजियाबाद में। बाकी किसी का कोई सवाल हो, आपका सुझाव, आपकी समस्याओं के साथ साथ आपका सुझाव भी हम आमंत्रित करते हैं। हमने देखा है कि जो नागरिक हैं, जो जिस एरिया के, कभी वहाँ जाएं तो बहुत अच्छे आपको सॉल्यूशंस बताते हैं, तो इसलिए जन संवाद किया जाएगा, फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से, अदरवाइज मीटिंग्स के माध्यम से, और आप लोगों के माध्यम से भी, जो आप लोग भी जनता की जो समस्याएं हैं, जो ज्वलंत इश्यूज हैं, जो आप गाजियाबाद को प्रभावित कर रहे हैं, वो आप हमारी नॉलेज में लाएंगे तो हम उसका प्राथमिकता से निराकरण करेंगे।